क्या आप जानते हैं इज नथिंग टू समबडी या मी नथिंग टू समबडी क्या है? यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए इज नथिंग टू समबडी या मी नथिंग टू समबडी? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इज नथिंग टू समबडी या मी नथिंग टू समबडी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कोई चीज किसी इंसान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यानी खास नहीं है, यानी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे मेरे लिए इंग्लिश ग्रामर कुछ नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इंग्लिश ग्रामर इज नथिंग टू मी, यानी मेरे लिए इंग्लिश ग्रामर कोई खास मायने नहीं रखता है या कोई खास महत्व तो नहीं है। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं इंग्लिश ग्रामर मीन्स नथिंग टू मी। चाहे आप कहें इज नथिंग टू मी या मीन्स नथिंग टू मी, दोनों का मतलब वही होता है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो सन की लोगों के लिए लॉकडाउन मतलब कुछ नहीं है, यानी लॉकडाउन होने के बावजूद भी वो इधर उधर टहलते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लॉकडाउन इज नथिंग टू क्रेजी पीपल। आप ये भी कह सकते हैं लॉकडाउन मीन्स नथिंग टू क्रेजी पीपल, यानी पागल लोगों के लिए या सनकी लोगों के लिए लॉकडाउन का मतलब कुछ नहीं है, उनके नजरों में इसका कोई महत्व या वैल्यू नहीं है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मेरे लिए खतरा कोई मायने नहीं रखता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द डेंजर इज नथिंग टू मी या द डेंजर मीन्स नथिंग टू मी, यानी मैं खतरों से नहीं डरता या खतरा मेरे लिए मामूली बात है। मान लीजिए अगर कोई कहे पैसा कमाना मेरे लिए मायने नहीं रखता या पैसा कमाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अर्निंग मनी इज नथिंग टू मी। आप ये भी कह सकते हैं अर्निंग मनी मीन्स नथिंग टू मी, यानी पैसा कमाना मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखता या मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहाँ आप कहते हैं कोई चीज़ मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखता या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वो नाउन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके बाद आप लिखेंगे इज नथिंग टू या मीन्स नथिंग टू, उसके बाद आप बताएंगे किसके लिए, यानी मेरे लिए टू मी, हमारे लिए टू अस, उन लोगों के लिए टू देम, उसके लिए टू हिम अगर वो मेल है तो, अगर वो फीमेल है तो आप कहेंगे टू हर।